स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। एक नई अपडेट आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड रिजेक्शन लिस्ट। चलिए इस पे देखते हैं क्लिक करके। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसको देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे जो है लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आज का है, जहां पर सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना जो कि 13 जनवरी 2023 के सापेक्ष यहाँ पर, उसके अलावा दिनांक इतना इतना जो 20 नवंबर 2023 के माध्यम से प्रसारित अभ्यर्थियों की जो मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु जारी अनुपूरक सूची के क्रम में अभिलेखों के पश्चात जो है तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दी गई है। इस संबंध में अनहर अभ्यर्थियों के जो प्रत्यावेदन है आयोग कार्यालय में ईमेल आईडी के माध्यम से या डाक माध्यम के द्वारा जो है 25 अक्टूबर तक जो है पहुंच जाने चाहिए। जो अनहर अभ्यर्थी हैं उनके से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आयोग ने यहां पर जारी की है। तो डिटेल में देख लेते हैं किस किस वजह से जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभ्यर्थियों को जमा करने हैं या फिर भेजने हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट के नेम हैं और यहाँ पर रोल नंबर भी दिए गए हैं। कहे कि विज्ञापन के शर्तानुसार अभ्यर्थी किसी मान्य प्राप्त संस्थान से या संगठित कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट डिप्लोमा आधारित नहीं है। तो ये अगर आप नहीं हैं, आयोग के अनुसार नहीं है, लेकिन अगर आप हैं तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट भेजने। तो मैक्सिमम आप देखेंगे ये योग्यता से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको ये सारी दिक्कतें जो है दिखाई देंगी। तो कुल 17 अभ्यर्थियों के जो है अभ्यर्थियाँ निरस्त कर दिए हैं। तो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 25th ऑफ जो है अक्टूबर है। बाकी इनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है इस पे जो है आपको भेजने हैं। तो यही सारे डिटेल यार इसलिए कहा जाता है कि जो आप भी आप विज्ञापन पढ़ें उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसी में दे रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।